गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण विचार। जिसका क्या नेम है? वर्ण विचार। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड, वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। फेफड़ों से निकलने वाली वायु। मुख्य विभिन्न भागों में जीभ का सहारा लेकर टकराती है। जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान है। पहला कौन सा है? कंठ, गला। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है। उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जैसे दूसरा क्या है? तालू। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालू से स्पर्श करती है। उनका उच्चारण स्थान क्या है? तालू है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालू से स्पर्श करती है, उनका उच्चारण स्थान तालू है। जैसे ई, छे, जे, ये, इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालू से स्पर्श करते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है?
और इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। जैसे ई, ई, चे, छे, जे, झे, ये, ये, से, ये क्या है? ये तालव्य वर्ण है। क्या है? तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। तीसरा क्या है? मूर्धा। मूर्धा। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों से ऊपर खुरदरी जगह को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों से ऊपर खुरदरी जगह को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जैसे री, जैसे री, टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे, से, ये मूर्धन्य वर्ण है। ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। चौथा क्या है? दंत। चौथा क्या है? दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जैसे ते, जैसे ते, थे, दे, धे, ने, ले, से, इन्हें दंते वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दंते वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत है और इन्हें क्या कहते हैं? दंते वर्ण कहते हैं। अगला क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जैसे ऊ, 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 पे, फे, बे, भे, मैं। ये क्या है? क्या है ये? ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ ओष्ठ कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं। नेक्स्ट क्या है? नासिका। क्या है? नासिका। नासिका। नासिका किसको कहते हैं? नासिका किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। क्या होती है? जिसके उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है उन्हें क्या कहते हैं? नासिकीय। उन्हें क्या कहते हैं? नासिकीय कहते हैं। जैसे अड़े, ये, अड़े,
नै, मैं। ये क्या है? नाश किए। क्या है? नाश किए वर्ण। अगला क्या है? कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। जिन वर्णों के उच्चारण जीभ का संयोग कंठ और तालु के साथ होता है वे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग कंठ और तालु के साथ होता है वे कंठ तालव्य कहलाते हैं। जैसे ए आई, ए आई। अगला क्या है? कंठ ओष्ठ। कंठ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग कंठ और ओष्ठ के साथ होता है वो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ वर्ण। जैसे ओ आउ, ओ आउ। अगला क्या है? दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग दंत और ओष्ठ के साथ होता है वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग दंत और ओष्ठ के साथ होता है वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे वह और फै। वह और फै। ये क्या है? दंतोष्ठ वर्ण। तो आज हमने क्या पढ़ा? वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़े? वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, आपको देखना है इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण क्या है। इसको आप बोल बोल के ये देखोगे इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण किससे आता है, इसका उच्चारण किससे आता है। ओके, और इनको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझोगे। ओके, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी का वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। इनकी कुल संख्या 44 है। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन अनुस्वार तथा विसर्ग है। हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित हो जाने से कुछ नए वर्णों का भी समावेश हो गया है। तो आज आप वर्ण विचार में क्या पढ़ोगे? वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ोगे। ओके, इनको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।